ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। क्लास में पास होने के लिए एग्जाम नहीं देना आपने, क्लास में अव्वल आने के लिए एग्जाम देना आपने, ये माइंड में रखना आप बच्चों। न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू करो, वो कहेगा नहीं भाई इस बार तो इतने में मिले, अब आपको क्या करना है? अब या तो आपको क्योंकि आप रह नहीं पाओगे, ये जो जस्ट का नशा होता है या ये जो कैप्सूल का नशा होता है, दूसरा नशा होता है, ये आपके पूरे जो नर्वस सिस्टम है उसमें चला जाता है और आप ऐसे ऐसे करोगे, आप ऐसे ऐसे आपको यू कैनॉट स्टॉप योर सेल्फ, आपका अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया। और इससे क्या होगा, अब आपको तलब लगी है, अब आप उससे भी बड़ा क्राइम क्या करने जा रहे हैं, आप उससे भी क्या करोगे, बड़ा क्राइम करोगे, आप एक क्राइम से दूसरे क्राइम में, दूसरे क्राइम से तीसरे क्राइम में। तो क्या हुआ इससे, आप एक पढ़े लिखे बच्चे, एक अच्छी तरबियत हासिल किए हुए बच्चे से लेकर आप क्या बन गए, अब बुरे बच्चे बन गए। आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, आपके ऊपर पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च किया, आपको बड़ा किया, उनके अपने सपने थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, कोई कहेगा मेरी बेटी बड़ी होकर इंजीनियर बनेगी, या कोई कहेगा मेरी बेटी के एस ऑफिसर बनेगी, कोई क्या कहेगा मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, उनके सारे सपने जो है वो क्या हो गए, टूट गए, खराब हो, चकना चूर। चलो सपने तो टूटे, लेकिन जो बच्चा उनके हाथ से चला गया, जो आप लोगों की तबाही से उनको दुख मिला, उसकी भरपाई कौन करेगा, कर सकता कोई? कोई नहीं कर सकता। अब आपने एक लाख वाला क्राइम जो है वो किया, अब क्या होता है, उसने कहा ये पक्का क्रिमिनल बन गया, ठीक है, ये पक्का क्रिमिनल है जी, अब थाने में हिस्ट्री शीट खुलगी, पर्सनल फाइल खुलगी, ये पक्का क्रिमिनल है। अब पक्का क्रिमिनल है, अब करे क्या, उसको पैसा चाहिए अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। अब हमारे जो पार के लोग हैं वो ताक लगाकर बैठे होते हैं, अच्छा ये यार इसको पिकअप करो, इसको हम मिलिटेंसी में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, हमारे ही बच्चे हमारे ही देश के खिलाफ क्या होंगे, इस्तेमाल करना शुरू। आप देखो कि आपका आपने कहां से शुरू किया बचपन को और आप अपने जीवन को कहां खत्म करने जा रहे हो। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि आपको नशे की लत, आपको ऐसी मोटिवेशन दे दी गई कि आप ना अपने आप पर कंट्रोल रख पा रहे हो और ना अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, ना अपनी फैमिली के लिए, ना अपने लिए, ना अपने दोस्तों के लिए, और आपने क्या कर दिया, एक ऐसी तंजीम ज्वाइन कर दी जिससे क्या हो गया, आप अपने देश के खिलाफ खड़े। इसलिए बेटे मैंने आप लोगों को इसलिए यहां अपना, मैं बड़ा ऑफिस से निकलकर मैंने कहा नहीं पहले मैं बच्चों से मिलूंगा, मैंने इसलिए आप लोगों को कहा, हमारे गोडा में बहुत सारे लोग ऐसे कि जो ये काम अभी भी कर रहे हैं, ड्रग्स का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इन्हें भी आपके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, आप ऐसे हो, देखो ये गवर्नमेंट आपके लिए चल कर रही है, ऐसा नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक हो रहा है, कहते हैं आप भला तो जग बुलाए, क्या आप भला तो जग भला, किसी को कोई रोक नहीं है यहां हमारे देश में आगे बढ़ने के लिए, किसी के लिए रोक नहीं है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई किसी के साथ नेपोटिज्म ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं आपके सामने कभी नहीं बैठा होता है जैसे, क्योंकि मैं क्रिश्चियन और यहाँ क्रिश्चियन साहब को पता पड़ेगा। नेक्स्ट, आप बेटे अभी कौन सी क्लास में हो, न्यूज़पेपर पढ़ने में आप लोगों को ज्यादा टीवी शोज या वो क्विज जो है क्विज देखा करें, आपके लिए बहुत अच्छी मैगजीन्स आती हैं वो पढ़ना शुरू करें,
मैगजीन्स हमारे टाइम में कॉम्पिटिटिव मास्टर आती थी, शायद अभी भी आती होगी, छोटी छोटी मैगजीन्स होती हैं, या अच्छी जो स्टोरी बुक्स जो है वो भी आप पढ़ सकते हो, सो डैट यू मे इम्प्रूव द लेवल ऑफ योर लैंग्वेज इंग्लिश। और न्यूज देखें, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना शुरू होगा अबाउट दिस रीजन पर। अगर आपको न्यूज देखकर किसी चीज में पता चलता है कि ये क्या चीज है, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन टू योर टीचर कि सर ये क्या होता है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप अपना बेस बनाइए, आफ्टर 10th और 12th देन यू गो फॉर द सब्जेक्ट्स, मेरे को सब्जेक्ट्स कौन से रखने हैं, मेरे को आगे कैसे करना है, ठीक है। तो पहले आप बेटे अपना माइंड बनाइए, बिकॉज हाफ ऑफ द वर्क विल बी डन, तो फिर उसके बाद में आप शुरू कीजिए।